हेलो एवरीवन दिस इज मानसी वेलकम टू माय चैनल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 37 सो so, यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमें एक स्क्वायर ग्रिड गिवन है जो कि हमने यूज किया था अपने लास्ट जब हमने को लास्ट पेज पे जो क्वेश्चन कर रहे थे हैंड वाला ट्रेस करने वाला उसमें हमने इस शीट को यूज किया था नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है माय फुटप्रिंट्स तो अब हम यहाँ पे फुटप्रिंट्स की बात करेंगे मतलब पैरों के निशान की बात तो हमारे फुट कितना area लेते हैं वो हम देखेंगे footprints की help से। फटाफट पड़ से क्वेश्चन पे आ जाते हैं so आप इमेज में भी देख सकते हो दो गर्ल्स आपस में बात कर रहे हैं एंड उनके फुटप्रिंट्स भी गिवन है एक कह रही है कि मेरा जो फुटप्रिंट है वो लॉन्गर है दूसरी कह रही है वाइडर है इमेज बनाते हैं लॉन्गर मीन समथिंग इज लाइक दिस मतलब कोई चीज इतना एरिया कवर कर रही है और वाइडर इज के कुछ इतना एरिया कवर करिए so, हमारी होती है आप so, देख सकते हो इससे ये वाला ज्यादा है सिमिलरली ये होती है लेंथ लॉन्गर की बात हो रही है ये अब हाइट में छोटा है इससे है ना सो so, ऐसे ही अब ये वाला जो है हो सकते है, दोनों का एरिया सेम हो क्योंकि ये लेंथ में ज्यादा है तो वो विथ में ज्यादा है ओके okay? सो so, ये चीज यहाँ पे समझाई हुई है अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे हुज फुटप्रिंट 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 इज लार्जर अब आपको अपना और अपनी फ्रेंड का मेजर करना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप देखो अब सैंड में शायद आपको ना मिले हाँ अगर आपके स्कूल के ग्राउंड में हो तो वहां पे आप जरूर ट्राई कर सकते हो अदरवाइज अगर आप अपने फुट को थोड़ा सा गीला करो एंड देन कहीं पे उस पर प्रिंट करो तो आप देखते हो तो देख सकते हो दोनों एरिया ज्यादा है किसी का पैर ज्यादा बढ़ रहा है छोटा तो देख के चल जाएगा कि ये ज्यादा जगह ले रहा है और आपका कम जगह ले रहा है अदरवाइज हमारी वो स्क्वायर वाली टेक्निक तो है ही कौन ज्यादा स्क्वायर कवर करेगा ठीक है सो ये हो गया तो ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स या अपने अब अप जैसे अगर आप घर पे हो तो ब्रदर सिस्टर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो सो अगेन हाउ विल यू डिसाइड कैसे डिसाइड करेंगे जो ज्यादा एरिया ले रहा होगा उससे पता चल जाएगा है ना नेक्स्ट है इज द एरिया ऑफ बोथ योर फुट प्रिंट्स दी सेम क्या आपके दोनों पैरों के जो फुटप्रिंट्स होंगे वो सेम होंगे सो so इसका आंसर होगा ये yes. अब वाई ऐसा क्यों है बिकॉज इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब आप जब भी आप शूज परचेज करते हो या स्लीपर परचेज करते हो कि तो क्या आप दोनों जो अपने फुट है उसका अलग अलग साइज लेते हो नहीं ना सेम साइज लेते हो Means दोनों का जो हमारे फुटप्रिंट्स हैं या फिर जो हमारे फुट हैं बेसिकली उसका साइज सेम है तो वो एरिया भी तो सेम लेंगे करेक्ट सो so ये था हमारा पेज नंबर थर्टी सेवन फटाफट से आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे विच इज पेज नंबर थर्टी एट उसके बहुत सारे फोल्ड है इसका मतलब उसकी स्किन का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है ओके देन वी कैन सी एलिफेंट और एक एंड आपस में बातें कर रही है एंड वो सोच रहे हैं कि उनका फिट प्रिंट का एरिया कितना होगा अब अगर हम एलिफेंट की बात करें तो उसका जो फुट है वो तो काफी बड़ा होगा मीन्स उसका फुटप्रिंट बहुत ज्यादा एरिया लेगा बट जो एंट है उसका फुटप्रिंट कितना होगा इतना छोटा सा है ना बिकॉज एंट वैसे ही इतनी छोटी होती है तो उसका फुटप्रिंट तो और ज्यादा छोटा होगा राइट सो so, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गेस विच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव दी सेम एरिया एज योर्स डिस्कस सो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा एनिमल हो सकता है जिसका जो फुटप्रिंट है वो आपके फुटप्रिंट के इक्वल हो सो so, जितना मतलब एरिया आपका फुटप्रिंट ले रहे है, उतना हो सो so, उसके लिए अब देखो आपका नॉर्मल फुटप्रिंट कितना होगा मान लो इतना एरिया ले रहा होगा सो so, अगर हम बेबी एलिफेंट की बात करें जो उसके फुट तो छोटा सा होगा तो हो सकता है उसके इक्वल हो या कोई डॉग की ऐसी ब्रीड जिसमें फुट थोड़ा सा बड़ा हो उसके इक्वल हो तो so, ये बस एक फन क्वेश्चन था नेक्स्ट जो है हमारे पास है इन एक्चुअल साइज तो आप देख सकते हो हेन का और हमें डॉग का जो फुटप्रिंट दिया हुआ है ये बेसिकली उसका एक्चुअल साइज है तो उसमें में बुक में इस तरह से दिया हुआ है गेस गैस एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट वैसे तो हमें इसका सिर्फ एरिया गेस करना है बट यहां पे मैं आपको सिखाऊंगी कि स्क्वायर्स में हम एरिया कैसे गेस करते हैं या कैसे फाइंड करते हैं सो so, इस क्वेश्चन पे आएंगे उससे पहले समझ लेते हैं कि करते कैसे हैं So, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है ना जिसमें आप एरिया निकाल रहे हो और स्क्वायर्स में आ रहे है, तो उसमें सबसे पहले आप देखोगे फुल स्क्वायर्स मतलब कि जैसे ये आपका इस तरह से वो होता है स्क्वायर वाला जो हमारा शीट होता है करेक्ट अब अगर इसके बीच में कुछ बना हुआ है लेट्स सपोज ये स्क्वायर शीट में मैं एक रेक्टेंगल बना देती हूँ सो so, इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया ठीक है अब थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं ठीक है अब ये जो अंदर वाला एरिया है वो सारा ये जो हमारा रेक्टेंगल है वो कवर कर रहा है तो यहां भी मैं देख रही हूँ सबसे पहले फुल स्क्वायर कौन कौन से कवर हो रहे हैं सो आप देख सकते हो एक ये वाला जो स्क्वायर है ये पूरा कवर हो रहा है सो वन स्क्वायर एक ये वाला स्क्वायर है ये भी पूरा कवर हो रहा है सो देर आर टू स्क्वायर जो पूरे पूरे कवर हो रहे हैं राइट सो सबसे पहले हमने देखा फुल स्क्वायर्स कितने हैं सेकेंड नंबर पे हमें देखना है हाफ स्क्वायर्स कितने हैं अब हाफ स्क्वायर्स देखो जरा इसमें एक ये वाला हाफ है राइट right? ये वाला हाफ है दिस इज ऑल्सो हाफ और ये भी हाफ है एंड ऑल्सो ये दोनों भी हाफ हाफ है सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल सिक्स हाफ स्क्वायर हो गए अब हाफ स्क्वायर का क्या मतलब है अगर एक जगह पे इसने इतना हाफ कवर किया एक जगह पे इतना हाफ कवर किया है तो क्या ये दोनों मिलके वन फुल स्क्वायर फिल नहीं कर सकते है ना तो सिक्स हाफ स्क्वायर का मतलब है तीन फुल स्क्वायर अभी आएंगे उस पर आगे देखते हैं थर्ड नंबर पे हमारा होता है लेस देन हाफ अब हमें देखना होता है कौन सा स्क्वायर हाफ से भी कम है जैसे ये वाला जो स्क्वायर है हमारा इसमें सिर्फ इतना पार्ट है तो ये हाफ से भी कम है तो ये आ जाएगा लेस देन हाफ में सो वन टू थ्री फोर चार ऐसी हैं जो कि लेस देन हाफ है ठीक है अब यहाँ पे आप चार ही देख लो मान लो ये पूरा स्क्वायर है एक एक स्क्वायर का आगे दूसरे का आगे तीसरे का आगे चौथे का आगे तो इसने क्या किया पूरे स्क्वायर को फिल कर दिया मतलब चार लेस देन हाफ को हम वन फुल स्क्वायर ले सकते हैं अब यहाँ पे तो इतना क्लियर था कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये आपका स्क्वायर है और इसमें सिर्फ इतना सा पार्ट है तो कभी कभी हम इसको इग्नोर भी कर दिया करेंगे ठीक है लास्ट चीज होती है देखो अभी हो सकता है कि आपको बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा हो कि कैसे हाफ तो कंफ्यूजन है वो सारी खत्म हो जाएगी सो नेक्स्ट हमें लेना है मोर देन हाफ ठीक है अब मोर देन हाफ का क्या मतलब है लेट्स सपोज ये एक स्क्वायर है वो तो हमारी फिगर कंप्लीट हो गई अब ऐसे ही कोई शेप बन रही थी और इस तरह से वो बनी ठीक है अब अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूं तो यहां पे देखो इसने स्क्वायर का कितना पार्ट ले लिया इतना सारा अब ये हाफ से ज्यादा है ना सो ये हो जाएगा मोर देन हाफ में इस फिगर में नहीं है तो नंबरिंग नहीं लिखते अब इसको कैसे काउंट करेंगे अगेन अगर आपके पास इस स्क्वायर में मान लो ये सारा पार्ट जो है ये आ रहा है ठीक है अभी फुल स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि इतना सा पार्ट बचा हुआ है ये हमने

ये रफ करते हैं और उस पर आ जाते हैं हाँ जी तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो हिंड का फुटप्रिंट है वो है सो आई डू इज इस पार्ट को मैं जूम कर दूंगी ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके ओके सो लेट्स जूम इट यहाँ पे आप देखो ये वाला अब जैसे ये स्क्वायर है यहाँ पे जो स्क्वायर कटा हुआ आ रहा है इसमें तो कुछ भी नहीं है तो वी कैन इजिली इग्नोर इट तो यहाँ पे अब ये वाला जो है इसमें कितना सा पार्ट आ रहा है इतना सा इसको भी इग्नोर कर सकते हैं सो so, इस वाले स्क्वायर पे आ जाते हैं नाउ इन दिस स्क्वायर अब देखो यहां पे कितना पार्ट है ये मैं शेड करती हुई चल रही हूं दिस मच राइट सो ये हमारा किस में आएगा लेस देन में सो सो लेट्स राइट इट हियर लेस देन में हमारा एक स्क्वायर आ गया ठीक है उसको ऐड करते हुए चलेंगे नेक्स्ट स्क्वायर की बात करते हैं अब इस स्क्वायर में देखो क्या हो रहा है हाफ इतना होता क्या ये हाफ है नो no. ये हमारा मोर देन हाफ है नहीं क्योंकि यहां पे भी एरिया है सो so, इस वाले पार्ट को भी वी विल टेक इट एज लेस लेस देन हाफ ओके सो दैट मींस एक और हमें स्क्वायर मिला है जो कि लेस देन हाफ है देन इस पे आ जाओ सो so ये वाला फिर से लेस देन हाफ है है ना सो वन मोर नेक्स्ट अब यहां वाला स्क्वायर अगर हम देखें तो इस वाले स्क्वायर में देखो हाफ से भी ज्यादा ही लग so, या तो आप इसको हाफ में ले सकते हो या फिर वी विल टेक इट मोर देन हाफ सो लेट्स टेक इट एज हाफ लेना चाहो हाफ भी चल लेगा मोर देन लेना चाहते हो मोर देन भी ले सकते हो लेट्स टेक इट एज हाफ क्योंकि देखो ना आधा उसने स्क्वायर कवर कर लिया तो हाफ का भी हमें One मिल गया अभी तक हमें कंप्लीट स्क्वायर देखो किसी ने भी अप नहीं किया हुआ नेक्स्ट इस पे आ जाओ अगेन ये भी आप हाफ में ले सकते हो या मोर देन हाफ में ले सकते हो आई थिंक अगेन हम इसको हाफ में ही लेंगे क्योंकि यहां पे जितना पार्ट एक्स्ट्रा गया यहां से उन्होंने निकाल दिया है वो पार्ट सो दिस इज अगेन हाफ ठीक है नेक्स्ट इस स्क्वायर पे आ जाओ ये वाला पार्ट क्लियरली दिस इज लेस देन हाफ सो यहाँ पे प्लस वन हो गया देन इस वाले स्क्वायर में अगर हम देखें तो ये देखो इतना एरिया कवर हुआ अगेन लेस देन वन एंड अब इस वाले स्क्वायर में देखो कितना जरा सा है आप चाहो तो निगलेक्ट भी कर सकते हो लेना चाहो तो ले भी लग सकते हो तो यहां का हम निगलेक्ट करें यहाँ का निग्लेक्ट करें यहाँ का करें मान लो हमने तीन जगह के छोटे छोटे से पार्ट निगलेक्ट करें तो सबको मिला के हमने एक लेस देन ले लिया ठीक है नाउ लेट्स जूम आउट यहाँ पे आप देख सकते हो हाफ कितने हुए हमारे पास टू सो टू हाफ स्क्वायर फील्ड है एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हमारे लेस लेस देन देन अब बहुत कम है तो हम हाफ को तो देखो दो हाफ मिलके वन फुल स्क्वायर बना देंगे ठीक है दो हाफ ने मिलके वन फुल बना दिया अब ये जो सिक्स है अब ये ऐसा तो नहीं है कि तीन स्क्वायर फिल कर दें क्योंकि लेस देन तो बहुत कम है सो so, अप्रोक्सीमेटली या तो हम मान सकते हैं कि ये जितने भी छ लेस देन हाफ हैं ये मिलके देखो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ जैसे ये एक स्क्वायर है और एक लेस देन हाफ इतना है एक लेस देन हाफ इतना है एक लेस देन इतना है सो हम कह रहे हैं कि कितने मिला के वो बना पाएगा तो अगर सिक्स है और देखो इतने इतने पार्टी थे हमारे पास सो मेरे ख्याल से वन पॉइंट फाइव या टू से ज्यादा वो नहीं बना पाएगा सो लेट्स टेक इट एज वन पॉइंट फाइव फुल स्क्वायर वो फिल कर पाएगा सो वन प्लस वन पॉइंट फाइव मतलब टू पॉइंट फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया निकालना था ना हमने एरिया हम कैसे निकालते हैं जितना वो कवर कर रहे हैं so, सो वो कितने स्क्वायर कवर कर रहे? दो फुल और एक हाफ सो टू है अगर इसमें ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा घबराने वाली बात नहीं है इतने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये सिर्फ आपके लिए फन के लिए दिए हुए हैं बस हाँ आपको आना चाहिए कि कैसे हो रहा है so, सो अभी हम एक दो क्वेश्चन और आगे करते रहेंगे तो आपको और क्लियर होता रहेगा अब जैसे इसके साथ ही हमारे पास एक और फुटप्रिंट है जो डॉग वाला है तो फटाफट से आ जाते हैं उस वाले फुटप्रिंट पे तो नेक्स्ट हम इस पे आ जाते हैं हैं ये जो हमारे पास डॉग का फुटप्रिंट है सो सो अगेन लेट्स इट नाउ स्टार्ट करते हैं कौन से स्क्वायर में यहाँ पे देखो इतना पार्ट आ रहा है सो वी कैन टेक इट एज लेस देन तो थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट फड़ करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे स्क्वायर्स है तो लेस देन हमें वन मिल चुका है नेक्स्ट स्क्वायर में अभी देखो इतना पार्ट तो हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे छोड़ देते हैं कोई बात नहीं ये वाला पार्ट देखो अब ये हाफ से काफी ज्यादा है देखो इसी स्क् में ये पार्ट भी है और ये पार्ट भी है तो क्लियरली दिस इज मोर देन हाफ सो मोर देन में वन स्क्वायर मिल गया हमको नेक्स्ट हमारा इस वाले का अगर हम देखें सो so ये फिर से मोर देन हाफ है आप देख सकते हो है ना ये पार्ट भी ऑल्सो ये पार्ट भी कवर हो रहा है और ये छोटा सा पार्ट भी है ना तो काफी सारा है तो फिर से मोर देन में रखते हैं इसको नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो है ये लेस देन क्योंकि देखो हाफ से भी कम है तो इसको ले लिया हमने लेस देन में अगेन अब ये वाला जो है देखो इसमें इतना सारा पार्ट है सो so, इसको हमें फिर से मोर देन में लेना पड़ेगा और जो हम मोर देन ले रहे हैं ना इसमें से ज्यादातर मोर देन भी ऐसे जो पूरे स्क्वायर को कवर कर रहे हैं ठीक है तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज दिमाग में रखेंगे कि मोर देन में बहुत सारा और था। अब यहाँ पे जो तो छोटा सा पार्ट है लेट्स इग्नोर इट नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं तो देखो मैं कितना पार्ट शेड कर रही हूं अगेन हाफ तो आराम से हो रहा है ये है ना हाफ ले लो लेस देन ले लो लेट्स टेक इट हाफ सो ये हमारा हो गया नेक्स्ट आ जाते हैं इस वाले पे सो so, देखो जरा इस स्क्वायर में ये वाला पार्ट दिस पार्ट एंड ऑल्सो दिस पार्ट सो अगेन हाफ से भी काफी ज्यादा है सो लेट्स टेक इट एज मोर देन हाफ नेक्स्ट हमारा ये स्क्वायर ऑलमोस्ट हमारा फुल स्क्वायर है तो so, इसको हम फुल स्क्वायर में ले लेते हैं सो दिस इज वन नेक्स्ट अब ये वाला जो है देखो इसमें सिर्फ इतना पार्ट बचा है बाकी सारा फुल में है सो so अगेन चाहो तो आप इसको फुल में ले लेना अदरवाइज मोर देन हाफ में ले लेना मैं इसको फुल में ले रही हूँ क्योंकि जितना यहाँ पे इतना सा पार्ट है उतना तो हम छोटा छोटा निगलेक्ट करते हुए भी आ रहे हैं है ना नेक्स्ट देखते हैं इस वाले स्क्वायर की अगर बात करूं तो ये पूरा पार्ट एंड दिस पार्ट सो ये तो हाफ से भी कम है ये आ जाएगा हमारा लेस देन में देन दिस स्क्वायर इज अगेन अ कंप्लीट स्क्वास की बात करें सो दिस इज लेस है ना ये तो इसको लेस में ले लिया हमने इसकी बात करें तो ये फिर से लेस है इसको फिर से प्लस वन कर देते हैं लेस में यहां पर बात करें तो अब ये मोर से सॉरी हाफ से ज्यादा हो गया सो हमें इसे लेना पड़ेगा मोर देन में सो मोर देन में प्लस वन नेक्स्ट ये वाला अगर देखें इतने से पार्ट को तो निग्लेक्ट कर देंगे ये वाला देखें अगर स्कवायर सो हाफ से बिल्कुल थोड़ा सा कम है तो हम इसको हाफ में ही ले लेते हैं ओके okay? लास्ट ये पार्ट बचा है जो कि हमारा आएगा लेस लेस देन में जूमआउट करके अब इसकी कैलकुलेशन करते तो फुल कितने थ्री हाफ कितने वन प्लस वन Two. Okay. More than कितने हैं? और याद रखना कि कि जो यहाँ पे पे थे, थे. वो बहुत ज़्यादा की बात करें तो one, two, three, four, five, six. तो ठीक है, इस का मान लेते ये one point five. लेकिन यहाँ पे less than में भी काफी थे तो इस बार मान लेते हैं कि ये टू स्क्वायर फिल कर देगा ठीक है मोर देन फाइव है सो मोर देन काफी ज्यादा थे तो मैं इसको फोर ले रही हूँ फोर स्क्वायर तो ये फिल कर ही देगा कि मोर देन काफ़ी सारा था हमारे पास हाफ दो, दो हैं मिल के वन बना देगा और फुल हमारे पास थ्री है प्लस कर लेते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो अराउंड टेन स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया होगी ये सारे मिलके कंप्लीट टेन स्क्वायर फिल करेंगे ओके okay? सो so, ये था हमारा पेज नंबर थर्टी एट सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर कंफ्यूजन है तब भी डोंट वरी अभी आगे की हम जो पेजेस हैं उसमें और इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे और सिंपल लगेगा ये तो मत समझ लो सबसे डिफिकल्ट था अभी तक इससे अब आगे जो भी आएंगे बहुत सिंपल आएंगे ओके सो डोंट वरी एंड नाउ आई सी यू अगेन इन दी नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑफ पेज नंबर थर्टी नाइन सो बाय फॉर नाउ एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल